अरे आए ना, आए प्लीज, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए आओ ना, बैठो। दाऊद, ये अलमास है। अस्सलाम वालेकुम। नायब की बड़ी बहन। वालेकुम सलाम। और ये इमदाद की अम्मी है। जी तेरा बेटा। बैठो ना, बहुत जरूरी काम छोड़ के आया ना। अच्छा, मेरे गले से वापस जाना है। नायब को ले आओ, फिर रस्म कर ले। जी जी बिल्कुल। चाय पियेंगे? नहीं थैंक यू, कुछ नहीं। और बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? सही है, इट्स गुड। वो मेरी पोस्टिंग भी दुबई में हो गई है, तो अगले महीने हम जा रहे हैं, इसीलिए हमें शादी की भी जरूरत। क्यों नहीं, मैं खुद इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबक दोष होना चाहती हूँ। 15 दिन के बाद की तारीख रख लें। क्यों दाऊद जी, तुम्हारी तारीख 15 दिन बाद की रख लें? जैसे आपकी मर्जी। चलो, मुबारक हो। आपको भी। माशाल्लाह, बैठो। नाया, ये दीबा है, दाऊद की बहन। मेरे ख्याल है रस्म कर लेते हैं आप। रोटी बना ली? रसम है ना, पहनाओ। मुबारक हो। मैं चलता हूँ। हाँ, मुँह तो मीठा करके चाहिए। नहीं थैंक यू, मैं मीठा नहीं खाता, मुझे देर हो रही है वैसे भी। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसकी मीटिंग होगी, बहुत जरूरी है, उसमें से उठ के आया है ना। ठीक है दाऊ, तुम जाओ। आई, मैं आपको छोड़ दूँ। अलमास, तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया? तुमने तो हमें जबान दी थी। हम लोगों ने वही किया जो हमें ठीक लगा। जिम्मेदारी उठाने के लिए तो कोई आगे नहीं बढ़ा, हक जताने के लिए आ गई यहां। अलमास, मैं तुमसे पूछ रही हूं, मुझे ये बताओ, तुम अपनी मरी हुई मां की जुबान से फिर रही हो? अरे नायाब तो हमारी अमानत थी। ताया मां, दरअसल हमें दुबई जाना है, इसमें जैद का इंतजार बहुत लंबा था। इस मुश्किल में हम इसका क्या करें? किस्मत से इसका बहुत अच्छा रिश्तेदार गया, मंगनी हो गई है, अब 2 हफ्ते बाद शादी है इसकी। लेकिन ताई अम्मा, पुरानी बातों को दोहराकर मामले को मत उलझाएं। ये तो आपके बच्चों जैसी है, इसे दुआएं दें कि अपने घर को जाए, खुश रहे वहां पे। अरे तुम्हें दुआएं दूं? तुम लोगों को दुआएं दूं? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि दौलत देख के नियत खराब हो गई? तुम लोगों ने जो हमारे साथ सुलूक किया है ना, वो तुम्हें रास नहीं आएगा। मेरे बेटे की खुशियां छीन के खुश तुम्हारी बहन भी नहीं रहेगी। अम्मी बस कर, मां साहब हम लगा ही रहते, बस थोड़ी सी देर हो गई। आप प्लीज प्लीज उन लोगों को जवाब देते, मैंने आपसे आज ही निकाह करके उसके अपने घर ले जाऊं। प्लीज उन लोगों के साथ ऐसा ना करें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई मजाक है क्या? हमें ऐसा समझाए क्या? अच्छे भले लोगों को जवाब देके तुम्हारे हवाले लड़की कर दें? इस बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे करें हम? हमें अपने खुदा को भी एक दिन जवाब देना।
जाओ यहां से अपनी फैमिली को लेके, निकलो यहां से। अगर इसके मंगेतर ने सुन लिया ना तो तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा देगा। बहुत ताकतवर आदमी है वो। चलो जाओ यहां से। जान जी जाएं, आप भी जाएं यहां से। ना, तुम लोगों की परवाह मत करो, हम दोनों अभी इसी वक्त शादी कर लेंगे। बोलो क्या कहती हो? बोलो ना आप, उनकी फिक्र मत करो, जवाब दो। ओए, तू हमारे सामने हमारी लड़की को बेकार है, निकल यहां से। जवाब दो ना आप, इनकी मत सुनो, जवाब दो मुझे। बोलो ना आप, बोलो ये देखें, दाऊद की शादी के लिए मैंने ये तीन जोड़े निकाले। ये रेड वाला उसकी शादी के लिए, ये ग्रीन मेहंदी के लिए, और ये माइयों के लिए। ये तुम्हारे जहेज के जोड़े हैं ना, और सबसे कीमती और महंगे जोड़े हैं, तो शादी से पहले ये कपड़े क्यों पहन रही हो तुम? ओहो अम्मी, शादी के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी और फिर कराची एक दो बार ही आना होगा साल में। वैसे भी पता नहीं खानदान में फिर कोई शादी आए ना आए, ये खानदान की सबसे बड़ी शादी है, चाहती मैं सबसे अच्छी लगूं। अम्मी बाद में जहेज में भी ले जाऊंगी, कोई मसला नहीं। तो क्या जहेज में अपने पुराने कपड़े लेकर जाओगी? अम्मी पुरानी बातें हो गई हैं ये सब, एक बार पहनने से कपड़े पुराने थोड़ी हो जाते हैं। अम्मी मैं इस पीले जोड़े में अच्छी लगूंगी ना? मेरी बेटी तो है ही खूबसूरत। इधर आ, इधर आ मेरे पास। मेरी बेटी दाऊद की दुल्हन की माइयों से ज्यादा अपनी माइयों पे खूबसूरत लगेगी। क्या अम्मी, आप घुमा फिरा के फिर दाऊद की दुल्हन पे आ जाती हैं। बस मुझे ये बताएं, मैं सबसे अच्छी लगूंगी ना? मोमिना सबसे प्यारी लगेगी। कैसा लग रहा है मोमिना, नायाब को अपनी जगह पर देखकर? तो क्या हुआ भाई, अब नायाब खुद ही दाऊद की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देख लेगी। तुम्हें पता है नायाब, मोमिना दाऊद की पहली मोहब्बत है। इनकी बचपन से ही मंगनी हो गई थी, फिर झगड़ा हुआ और रिश्ता खत्म, वरना आज तुम्हारी जगह मोमिना होती। क्या था ना मोमिना, कि अगर मामा अब्दुल्ला की शादी वाली बात को इग्नोर कर देती तो आज नायाब की जगह तुम बैठी होती। जो हो गया सो हो गया, की बात है, डिस्कस करने का क्या फायदा? ओफो गुस्सा क्यों होती हो, फहद कौन सा यहाँ बैठे है जो सुन लेगा, हम तो आपस में बात करें। अच्छा बस करो, चलते हैं दाऊद आने वालों का। इसे कितना बड़ा हौसला है तुम्हारा यार, वैसे तुम ऐसे ही जल्दी कर रही हो, दाऊद तो आज आने वाला नहीं है। तो तुम बैठी रहो, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको, मैं भी आती हूँ। दुल्हन मुबारक हो कसम। आई थिंक हम मुबारकबादों का तबादला कर चुके हैं, अपनी दुल्हन के पास नहीं जाओगे? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। आखिरकार मुझे भी तुम्हारी तरह अपने लाइफ पार्टनर के साथ सिंसेयर होना है। भूल गई थी, भूल गई थी कि तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर पाने की मुझसे भी ज्यादा चलती है।
तुम शायद भूल रहे हो कि मंगनी पहले तुमने की थी। तो तुम्हें मुझे हराना था, इसलिए फटाफट शादी कर ली। इससे क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ सकता था। अगर तुम थोड़ा सा इंतजार करते। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मामी ने तुम्हारी जल्दी शादी ना की होती, तुम्हें अकेला छोड़ा होता, तो शायद मैं इस मंगनी से निजात हासिल कर लेती। मेरे लिए इतना आसान नहीं अपनी जिंदगी में किसी और मर्द को जगह देना। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम फहद के साथ सिंसियर। वो लफ्ज मैं तुम्हें नहीं, खुद को सुना रही थी। सिंसियर होने में, मोहब्बत होने में बहुत फर्क होता है दाऊ। तुम्हें नजर नहीं आया कि तमाम ज्यादतियों के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद मैं तुम्हारे हिर के चक्कर लगाती रही? तुम्हें नजर नहीं आया कि मैं तुम्हारी पसंद के रूप में तुम्हारे सामने क्यों घूमती रही? तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी लेके मेरा दम घुट रहा है। किसी और को मेरी जगह कैसे दे सकता हूँ? काश कि तुमने शादी ना की होती। काश कि हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता, ये मंगनी मैं तोड़ देती, सब कुछ ठीक हो जाता। मम्मी ने तुम्हारी शादी करके अच्छा नहीं किया है। तुमने तो शादी कर ली, तुम्हारी जिंदगी तो ठीक हो गई। मैं अपनी जिंदगी में किसी और को तुम्हारी जगह कैसे दूं? बताओ मुझे, मेरे हिस्से की मोहब्बत थी, मेरे हिस्से की खुशियां थी सारी, जो वो ऊपर बैठी बटोरने आई है। वो सारे ख्वाब जो तुमने मुझे दिखाए थे, उसकी ताबीर वो देखने आई ऊपर, इसलिए कि वो तुम्हारी माँ की पसंद है, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी माँ के रिश्तेदार है। लड़की बंद करो रोना थोड़ा, चलो। क्या बकवास लगा रखी है? उठो यहां से, उठो और मेरे कमरे से बाहर दफा हो जाओ। तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा मेरे कमरे से बाहर निकलो। Get out, get out of my room, get out right now. क्या बनाया जी? कुछ नहीं, वो कमरे से निकाल दिया। तो इसमें रोने की क्या बात है? अरे इतना बड़ा घर है, इतने कमरे हैं, कोई अलमास की तरह दो कमरों का मकान थोड़े ही है जो तुम घबरा गई। किसी भी कमरे में जाके सो जाती। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें तुम्हारा कमरा। ओह चुप तो करो। देखो मैंने तुम्हारी बहन को दाऊद के मिजाज के बारे में बता दिया था,
मत साथ, है ना? अभी घाव भरा नहीं है, भर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें दाऊद के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। अरे शौहर कहीं नहीं जाते, घूम फिर कर वापस बीवी के पास ही आते हैं। दाऊद को बहुत शदीद मोहब्बत थी मोमना से। मेरा साले बेटा मेरी वजह से अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया उसने। अब तुमने संभालना है उसे, उसकी दिलजोई करनी है। अच्छा चलो, कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो और ठंडे कमरे में आराम से मजे से सो जाओ। तुम्हारे कपड़े तो दाऊद के कमरे में होंगे, है ना? कोई बात नहीं, मैं दीवा के हाथ भिजवाती हूँ। आओ आओ ना, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। चला गया ये शख्स। शब्बीर, ओ लड़के, शब्बीर। क्या हुआ? शब्बीर घर पे नहीं है। क्या बकवास है, मुझे कपड़े इस्त्री कराने थे, जरूरी जाना है मुझे अम्मी। तो तुम नायाब से इस्त्री करवा लो ना। ये आपने क्या नया सिलसिला शुरू कर दिया? सिलसिले की क्या बात है इसमें, तुम्हारी बीवी है, उसे अपनी खिदमत का मौका तो दो। थैंक यू वेरी मच अम्मी। जब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं ये तवक्को नहीं करता कि वो मेरे लिए कुछ करे। दाऊद, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसे अपनी खिदमत का मौका दे दो एक बार। नायाब, नायाब। अम्मी रहने दे। नायाब, दाऊद से ये कपड़े पकड़ो और इस्त्री करके लाओ। रोजाना जिम्मेदारी से कपड़े इस्त्री कर दिया करो उसके, ठीक है? जी। Dawood, come on, let's dance. नहीं, मैं डांस नहीं कर रही। भाई मेरी बेगम डांस नहीं कर रही तो मैं भी नहीं कर रहा। बस करो दाऊद, इतनी जल्दी भी जोर के गुलाम नहीं बनूंगा। भाई मैं तो जोर के गुलाम बनूंगा। मैं खुले आम कहता हूँ कि मैं जोर के गुलाम बनूंगा।